हेलो एवरीवन, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे आप। कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड सेकेंड क्वेश्चन है द रेक्टेंगल बीसीडीई इन द दिस फिगर। यानी दोनों फिगर यानी इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना और इनको पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि दोनों में किन की पेरीमीटर ज़्यादा है, व्हिच वन इज मोर। तो सबसे पहले ये काम करना है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आपका ट्राइंगल एंड देन व्हिच वन इज ग्रेटर। ये भी कंपेयर करना है कि कौन उसमें बड़ा है, ठीक है। उस इसी तरह से हमें इसको जवाब देना है। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी किसका, ट्राइंगल का, ठीक है। यहाँ पे आपका पेरीमीटर ट्राइंगल का निकालूंगा मैं, उसके बाद पेरीमीटर निकालूंगा किसका, रेक्टेंगल का, और उसके बाद व्हिच वन इज ग्रेटर। तो बच्चे मैं अब सॉल्व करता हूँ इसको। सबसे पहले आप इसको लिखना स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी में चलेंगे और इनका पेरीमीटर निकालेंगे। तो क्या लिखूँगा मैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर निकालूंगा। तो क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। यही होता है बच्चे पेरीमीटर। तो ऑल साइड यही करा ना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन पेरीमीटर, इसके बाद रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालनी है, उसके बाद कंपेयर करना है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें देखो, एक तो साइड आपका ये हो गया और एक साइड आपका ये हो गया और दूसरा साइड ये हो गया, ये सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो हमारा साइड क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी बच्चे कितने हो गए, ए बी हो गया 5/2 सेंटीमीटर प्लस 2:3/4 सेंटीमीटर और प्लस 3:3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इन सेंटीमीटर, ये सभी क्या होगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब मुझे क्या करनी है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में लानी है, कन्वर्ट करनी है। तो 5/2 प्लस देखो 4×2=8 और प्लस 3 तो 11/4 और प्प्लस यहाँ पे क्या होगा, 5×3=15 और प्लस 3 तो 18/5। अब आपको क्या करना है, इस पर लाइक फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो लाइक बनाने के लिए पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ किसका, 2, 4 और 5 का निकालना है। तो 2, 4, 5 इसको एलसीएम लेंगे, 2×1=2, 2×2=5 हो गया, फिर 2 से 1 और 1 और 5, फिर मैंने 5 से लिया तो 1, 1 और 1, तो आपका एलसीएम होगा 2×2=4, 4×2=4, 5 कितना हो गया बच्चे, 4×5=, आपका हो गया 20। तो मैं इसका एलसीएम लिख दिया 20। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो 5/2, अब इसको नीचे डिनोमिनेटर में 20 लानी है, तो आपको 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करना, 10 से यहाँ करना, प्लस 11/4 इसमें 5 से, इसमें भी 5 से, प्लस 18/5 इसमें क्या करूँगा मैं, 4 से, इसमें भी 4 से। तो अब आप इसको लाइक आ गया, तो 50/ कितना हो गया, 20 प्लस 55/20 प्लस 72/20, ठीक है बच्चे। एक बार आपको रीचेक भी करना है, ये तो 5/2 हो जाएगी, 4×2=8, 8+3=18/4, 11/4 और 18/5। इसके एलसीएम 20, इसमें कितना किया, 10 से मल्टीप्लाई 50/20, इसमें 5 से किया तो 55/20, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, देखो सब सेम आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सभी लाइक आ गए, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर वाले डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे पहले। तो 50 प्लस 55 प्लस 72, अब बाय क्या होगा, 20। बच्चे इसको ऐड करोगे तो 5 और 2 7, और उसके बाद 7 और 10 17, और 17 लिख दीजिए आप, अब बाय 20। ये सेंटीमीटर हो गया आपका पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है बच्चे। अब मैं निकालूंगा पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ये पेरीमीटर हुआ आपका ट्रायंगल का, अब पेरीमीटर निकालूंगा मैं रेक्टेंगल का।
तो यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट का पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या निकल गया बच्चे, 177/20 सेंटीमीटर। आप ये लिखिए, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते ना तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो आप देखो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में इसको डिवाइड कीजिए, कितने बार में डिवाइड हो जाएगी बताओ। यहाँ पर डिवाइड करता हूँ मैं 20 से, 177, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 28 जा, ठीक है, 160, तो कितना हो गया, 17 हो गया। अब आपको बताइए यहाँ पे 17 लिख दीजिए, यहाँ 20, यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8:17/20 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप। नौ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर जो सीट है इनका पेरीमीटर निकालता हूँ मैं। अब लिखूँगा मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, इनका निकालना है। तो क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है, 2 × L + B। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 में हमने डिस्कस भी किया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। तो बच्चे 2 लिखा और लेंथ, लेंथ कितना है देखो, ये साइड जितनी लेंथ होगा वो उतनी ही ये होगा, तो आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसके लेंथ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 2:3/4 + ब्रेथ, देखो 7/6 है बच्चे, तो ये भी 7/6 होगा क्योंकि ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो 7/6 मैंने लिख, इतना सेंटीमीटर होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें 4 × 2 = 8 और प्लस 3, तो 11/4 + 7/6 9। अब हमें क्या करनी है, इसको सबसे पहले हमें बेस डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, लाइक बनानी पड़ेगी, इक्वल करनी होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ द 4 और 6, सबसे पहले मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 4 और 6, ये दोनों के एलसीएम निकालूंगा। तो 4 और 6 का एलसीएम, 2 से 2, 2 जा 2, 3 जा 2, 1 जा 3, फिर 3 से 1 और 1, तो 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो गया, 12। तो एलसीएम 12 आएगा, तो इसको लिखूंगा मैं 11/4 × 3 × 3, फिर प्लस 7/6 इस उसमें 2 × 2, अब इतना हो गया सेंटीमीटर। अब इसको नौ, इसको जो है हमें फिर सॉल्व करना है, तो 2 × 33 अब प्लस 14, अब बाय क्या होगा, 12 हो गया। तो मैं लिखूँगा इसको 2 × अब बच्चे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जो है इसको सम करना है, तो कितना हो गया 7, और 3 और 1 = 4, 4 हो गया और आपका 7 हो गया बाय 12। अब मुझे 2 1 जा 2 6 जा, तो 47/6 आपका सेंटीमीटर, आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया किसका, रेक्टेंगुलर सीट BCDE का। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे, यहाँ पे इसका पेरीमीटर कितना आ गया हमारा, इनका अगर पूछा जाए तो 47/6 सेंटीमीटर, या आप इसको लिखेंगे 6 से डिवाइड कर लीजिए 47 में, ये लिख दो 6 7 जा 42, यहाँ पर 5 हो गया, 5 आपके यहाँ चला जाएगा 6, यानी आप इसको लिख सकते हैं 7 × 5/6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो ये आपका जो है सो दोनों का पेरीमीटर तो आ गया। अब आपको कंपेयर करना है कि हुच वन इज ग्रेटर, यानी कह रहा है कि हुच पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर के लिए कंपेयर करनी पड़ेगी, कंपेयर द पेरीमीटर, कंपेयर करना पड़ेगा पेरीमीटर को। तो कंपेयर कैसे करेंगे बच्चे, पहला देखो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, 177/20, और इसका पेरीमीटर क्या है, 47/6। अब हमें क्या करना होगा बच्चे, इस दोनों को सेम करना होगा, तो सेम करना होगा 9। तो हमें क्या करनी होगी, बेस को डिनोमिनेटर को इक्वल करनी होगी। अब देखिए 20 और 6 का एलसीएम लेनी होगी, तो 20 और 6 का मैं एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पर 10 और 3
और टू और उसके बाद थ्री, फिर थ्री से फाइव वन, फिर फाइव से वन और वन, तो टू टू जा फोर, अब फोर 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 और थ्री जा ट्वेल्व, अब ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, हो गया सिक्सटी। तो आपको बच्चे क्या करनी होगी, वन सेवन सेवन बाय ट्वेंटी इंटू थ्री इंटू थ्री, और इसमें करना है फोर्टी सेवन बाय सिक्स इंटू आपका होगा एलसीएम, तो आपका 60 आ गया, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो यहाँ बच्चे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर में, तो 7 3 जा 21 और 2 23 और 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया, 5 बाय क्या हो जाएगा 60। अब इधर देख लीजिए, इधर क्या होगा 4 7 0 बाय 60, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो विच वन इज ग्रेटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर, ओके। तो ये ग्रेटर है, इसीलिए आपका आंसर अगर को पूछता है तो आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे हैंस, मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे इरेज करके लिखता हूँ, आप यहाँ पे लिखेंगे, कह रहा है कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, तो मैं लिखूँगा हैंस द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ये वाला पेरीमीटर क्या हो गया, इनकी ज़्यादा है। तो बच्चे हमने इस क्वेश्चन को पूरी कम्प्लीटली देखा और इससे काफ़ी आइडिया आया आपको, ठीक है। तो इसी तरह से कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।